Credit cards and stamps. Hitting the licks in the van. So वेलकम बैक गाइस। तो एक बार फिर से इस चैनल पर आ चुके हैं नया वाला गेम लेकर। एकदम थैली पैक है, ठीक है। नया अभी थैली से निकाला है गेम जिसका नाम है आउटलास्ट, ठीक है। ये ऐसा गेम है ना भाई जिसको मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत ही हॉरर है। हाल इतना जानो कि हॉरर भी नहीं कह सकते, आगे आगे स्टोरी बताऊँगा। लेकिन अगर तुम लोग इस गेम को देख रहे हो ना तो जरा अकेले जरूर बैठ जाना और एयरफोन्स जरूर लगा लेना, ओके भाई। मेरी गालियों की वजह से नहीं, इस गेम में जो आवाज़ें आएंगी ना सिर्फ उन वजह से। तो कृपया करके एयरफोन लगा के बैठें, क्योंकि हो सकता हम भी एक्साइटमेंट में थोड़ी सी निकाल दें अपनी खुंदस भड़ास, ओके, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। इस समय हम लोग गाड़ी के अंदर हैं। मैं स्टोरी बताऊंगा, तुम लोगों को आगे स्टोरी टेलिंग करेंगे जैसे जैसे मेरे को समझ आती जाएगी, क्योंकि मैं भी अभी अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी अभी इसको खेला जा रहा है, ठीक है। थोड़ा गेम में भाई मज़े इस चीज़ के आते हैं कि आप लाइव रिएक्शन करो। किस जगह ये माउंट मैं पढ़ भी नहीं पाया पूरा भाई। हॉरर गेम के ना मजे इस चीज़ को लेकर हैं कि रियल रिएक्शन आने चाहिए, ठीक है। ये फेस कैम वीडियो नहीं है, वरना तो और भी ज़्यादा मज़े आते हैं। और चलो देखते हैं यार, मेहनत तो पूरी चल रही है, फिर भी मेरे को लगता नहीं कि चैनल हल्का बहुत भी ग्रो हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी तो होगा। चलो तो अब मैं बता देता हूँ। देखो अपना नाम क्या, मेरा नाम तो इन लोगों ने बताया नहीं। नाम लिखा है कहीं नहीं, मेरे को नाम नहीं दिख रहा कोई, ठीक है। तो मैं खाली एक बेसिकली इस गेम की स्टोरी बता देता हूँ जहाँ तक मेरे को समझ आई है, कि हम ना एक रिपोर्टर हैं, हाँ शायद रिपोर्टर ही हैं हम, और सामने हैं भूत बंगला। भूत बंगले के अंदर अपने को रिकॉर्डिंग करनी है कि क्या क्या सीन होने वाला है, क्या क्या सीन है उसके अंदर, ये जगह क्यों बंद की गई, इस जगह के अंदर क्या क्या सीन है, यहाँ सब देखने को मिलेगा अपने को। तो चलो कैमरा उठाते हैं अपने, सब चीज़ चेक कर लेता हूँ एक बार में, सब चीज़ चेक कर ली है मैंने। और गाड़ी से गेट खोल के निकलते हैं बाहर और देखते हैं भाई क्या ही सीन होने वाला है। बस यहाँ से कोई एकदम से यार अचानक से स्कैरी मूवमेंट, स्कैरी सीन्स ना आए, वरना तो गड़बड़ हो सकती है। वैसे तो देख मेरे को लगा ही था, लो हो गई इनकी भूतियागिरी शुरू। तो ओके, गेट अपने आप बंद हो चुके हैं। अभी आगे चल के देख, पहले इसके अंदर देख लो, इसके अंदर शायद कुछ अपने को मिल जाए। एक मिनट रुक जाओ, कंट्रोल्स देख लेते हैं ना पहले, आगे पीछे लेफ्ट राइट सेंट्रल, ओके ठीक है, सारे मतलब सीट इससे बैठ, ओके ठीक है। अभी चलते हैं आगे, क्योंकि मैंने भी आज से पहले ये गेम नहीं खेला। मैं खाली ऐसी YouTube की वादियों में घूम रहा था, तो वहाँ हॉरर गेम्स को सर्च करके तो मैंने देखा मेरे को आउटलास्ट मिला। और भाई जो ये गेम है ना, रियलिटी बता रहा हूँ, फटने वाली है, ठीक है। इसलिए अकेले बैठ के देखना, अंधेरे कमरे में ज़रूर फटेगी। बड़े गेट से चलते हैं ना, छोटे गेट से क्या चलना, हाँ बाप को मस्सी का। खोलो बे, कोई है नहीं, कोई भी नहीं है इधर। तो गेट खोलते हैं, अंदर पहुंचते हैं, देखते हैं क्या सीन होने वाला है इधर की साइड। अरे बंगला तो अच्छा खासा आ गई, अपने नाम हो जाए तो मज़े आ जाएंगे ना। यहाँ वाला गाना चलेगा, कौन सा, पार्टी विद भूतनाथ, यो हनी सिंह को बुलाया जाएगा, हे अमिताभ बच्चन को भी बुलाया जाएगा, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति, इसी के अंदर खेलेंगे। और क्या इस घर में भूत हैं, यह है आपका पहला प्रश्न, जिसका आपको कुछ नहीं मिलेगा इस लेटर के सिवा। कितनी गंदी एक्टिंग करी है मैंने अमिताभ बच्चन की, छी। ओके एक बार पढ़ लेता हूँ मैं इसको, क्या क्या सीन है। अच्छा ये भूत बंगला तो है ही नहीं भाई, ये मेंटल हॉस्पिटल है भाई। पागल खाना भूत बंगले से भी खतरनाक होता है, पागल खाना तुम लोगों को क्या पता, मेरे को वापस जाना है। रे खोलो रे बाबा, कोई नहीं है। चलो चल के देखते हैं, गाड़ी वाड़ी खड़ी है तो हो सकता है भूत कहीं घूमने वूमने भी जाते हो, अच्छी बात है। चलो और कैमरा भी है एक मेरे पास, खटारा सा जिसमें नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है भाई। कमरों की लाइटें खुली पड़ी हैं और गाड़ियां नीचे खड़ी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कोई नेता वेता आया हुआ है। ओके हो सकता है उनका बॉस अंदर हो भाई, मजा आ जाएंगे आज तो। चलो अंदर चल के देखते हैं क्या बकलोली होती है। इस वाले गेट से जाना होगा, क्या नाम है, माउंट मैसिव असेंबल असाइलम है वो, ठीक है। गेट खोलना, अरे ये खुलता क्यों नहीं रे। ओके तो ये लॉक है, अंदर लॉक करके पार्टी चल रही है ताकि बाहर के लोग ना आ सकें, इनके पड़ोसी वगैरह बोलते होंगे ना, ए गए ए गाने बंद करे, फिर ये अंदर से आवाज़ लगाते होंगे। कौन सा गाना था वो, छी मेरी याददाश्त बिल्कुल बेकार है।
नहीं आंटी पुलिस बुला लेगी, ठीक है आंटी पुलिस बुला लेगी वाला। इधर एक डोर, एक मिनट इसके अंदर से भाई यहाँ पहले भी कोई आ चुका है यानी के देखो ऐसे कोई जानवर तो कर नहीं सकता, तो यहाँ पे और भी हो सकता है कोई आ चुका हो। ठीक है तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या सीन होता है भाई, इसके अंदर क्या सीन होने वाला है। मेरे को दरवाज़ा तो मिल चुका है और जब वो बंद है तो मेरे ख्याल से इसी के अंदर से जाना पड़ेगा मेरे को। ये शायद ये भी लोग है, सारे दरवाजे लोग हैं भाई, जाना किधर से, ऐसा कैसा चलेगा रे। अच्छा ऊपर से जाना है भाई, इसके ऊपर से जाना है जो अच्छा वहाँ पे शायद एक विंडो टूटी हुई है, जूम करके देख, हाँ ये ना विंडो टूटी हुई है। ठीक है इसके अंदर से चल के देखते हैं भाई, इसके ऊपर बस पहुँच जाऊँ मैं बिना गिरे, देखते हैं कि भाई यहाँ कोई है क्या, कोई है। अरे दूध ले लो, दूध दूध देने आया हूँ मैं। हाँ भाई भाई रात में कौन सा टाइम होता है, मैं रात को दूध देता हूँ ठीक है, सब लोग रात को दूध पीते हैं, सुबह कोई दूध नहीं पीता, सब रात को दूध पीते हैं। चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं क्या सीन होता है। ओके भाई कैमरा ऑन रखना चाहिए ना मेरे को, कभी किसी ने हमला, एक मिनट गेट पर कोई है शायद, कोई है। ये मेरे को डराओ मत रे बाबा, मेरी बहुत फटती है ऐसे भी, ऐसे नहीं डराने का, हो सकता है ये मेरा आखिरी गेम हो जाए। देखते हैं मूव टू जंप, जंप तो करनी आती है अपने से, इसके ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर जाके फिर से जंप और जंप करके। और तुम लोग बताना काफ़ी टाइम हो गया था हॉरर गेम डाले हुए हैं, ग्रैनी व्रैनी तो मतलब ठीक है, ग्रैनी वगैरह भी उसमें इतना ज़्यादा खौफ वोफ नहीं लगता, लेकिन आज मुकाबला होगा असली डर से। ठीक है मेंटल्स लोगों के साथ, मतलब कि भूत और मेंटल लोगों का कॉम्बिनेशन देख लो कितना ख़तरनाक है। और शायद आउटलास्ट के ना चार पार्ट आ भी चुके हैं भाई ऑलरेडी, इस समय हम वर्स्ट पर हैं, तो इस गेम की सीरीज तो चलने वाली है। तुम लोग पसंद करना यार इस गेम को ऐसे कैसे। ओ नो, एंटर करते ही लाइट ऑफ, कैमरे की लाइट भी ऑन नहीं है मेरे, लाइट ऑन कैसे होगी भाई, गूसबम्स आने लगे। शिट मैन, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तुम लोगों को, और ये आवाज़ें नीचे से तो आ नहीं रही, जहाँ तक मुझे लग रहा है तो इसी कमरे से आ रही हैं। एफ़ टू प्रेस लाइट ऑन, कि छी कितनी घटिया सी लाइटें हैं। ओके तो अपने को डरना नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, खाली पार्टी हो रही है और शायद लाइट वाइट बंद हो गई, वो पार्टियाँ तो लाइट बंद करके ही करते हैं ना, क्लब में नहीं गए क्या तुम लोग। छी यार छी छी छी, जाना भी नहीं चाहिए, गंदी बात। नहीं कौन कह रहा है मैं जाता हूँ, पागल हो गया। यहाँ चल के देखते हैं क्या सीन होता है बेसिकली, और तो सबको चल तो पता चल ही चुका है कि हम अकेले नहीं हैं यहाँ पर, तो आराम से भाई देखते हैं क्या सीन होने वाला है यहाँ पे। ओके गेट खुला हुआ, आराम से गेट खोलते हैं। ओके लाइट ऑफ कर लेता हूँ, मेरे को ज़्यादा रोशनी सी आ रही है यहाँ से। ठीक है एक मिनट रुको, देखते हैं भाई यहाँ से जाना कहाँ है, मेरे को कहाँ जाना है। आगे वाला रूम भी मेरे को खाली सा ही लग रहा है, कोई है तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है अरे मिलो रे कोई तो आओ, साले स्वागत भी नहीं करोगे क्या भाई का, लाइटें बुझाकर कौन स्वागत कर रहा है। ओ भोसड़ी को डरा दिया भाई, टीवी ने डरा दिया केवल सन्नाटे में। शिट मैन, ये टीवी ने डरा दिया भाई, गूसबम्स आ गए बहुत खतरनाक वाले। और एक दरवाजा और खुला हुआ है, इधर रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ। ठीक है यहाँ पे चल के देखते हैं क्या सीन है यहाँ से भाई, मेरे को डर लगता है दरवाजे से निकलते हुए भी ना इधर, तो देखते हैं क्या सीन होने वाला आगे। इधर से निकल जाऊँगा मैं, हाँ निकल तो गया, ठीक है निकल गया, पतले हैं अपन, हम पतले लोग हैं, हम निकल जाते हैं कहीं से भी निकल जाते हैं। ओके इसके अंदर जाना है नहीं जाना है, जा क्या ड्रामे कर रहा है इधर उधर। और मेरे को ना मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं सबूत इकट्ठे कर चुकूँ कि कर सकूं कि यहाँ पे ना गलत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं लोगों के ऊपर, और मतलब जाति हो रही है लोगों के ऊपर, ये कोई मतलब वैसे नहीं कर रहे जैसे तुम लोग समझ रहे हो, खाली इंसानों का काम है। ठीक है वहाँ यहाँ इस जगह पर लोग मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंटिस्ट वगैरह, जो कि खतरनाक तो बहुत लग रहा है यहाँ पर, हर जगह तो ब्लड ही ब्लड है भाई, कोई यूट्यूब बैन वैन ना करते बस वीडियो, यार इस बात का डर है। एक फाइल तो मिल गई, ये देखो मेरे को खाली फाइल इकट्ठा करनी है और किसी से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सिर्फ मेंटल है इसके अलावा शायद कुछ नहीं है, ऐसा गेम ने मुझे बताया है। ठीक है मेरे को सिर्फ यहाँ पे चीज़ें इकट्ठा करनी है, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं करना। ठीक है एक मिनट रुको, आगे चल के देखते हैं क्या सीन होने वाला है भाई। ओके भाई आगे चलते हैं, यहाँ पे ये गेट अपने आप कैसे बंद हुआ, ये गेट अपने आप बंद हुआ ना भाई। ओ भाई यहाँ कोई तो है, कुछ तो है भाई यहाँ पर, वो सामने भी नहीं आना चाह रहा, और टॉयलेट के अंदर कोई क्या ही कर रहा होगा।
देखते हैं भाई क्या सीन होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे कोको कोला भाई कोई ऊपर से भाग के गया, इतना तो मैंने सुन लिया और मैंने देखा भी, शायद तुम लोगों ने पता नहीं देखा नहीं देखा, लेकिन मेरे को शायद दिखाई दिया कि ऊपर से कोई तो भाग के गया है अभी उसके अंदर से ना। और मेरे को नहीं लगता इसके अलावा कोई और रास्ता भी है यहाँ से कहीं और जाने का, क्यों सब गेट वेट लोग पड़े हैं, तो शायद मेरे को यहीं से जाना पड़ेगा। देखने क्या सीन होने वाला है यहाँ पे। भाई मैं चिमनी के अंदर तो आ चुका हूँ, लेकिन आवाज़ें बहुत ख़तरनाक आई हुई हैं और मेरे पास ना इतनी ज़्यादा बैटरीज भी नहीं है, खाली मेरे पास 3 बैटरीज है। और देखो लाइट ऑन करते बैटरी कितनी जल्दी जाती है भाई। भाई कोई तो है, ओ नो भाई गंदी वाली फट रही है, गंदी वाली लिटरली। ठीक है रात के 10-11 तो 10:15 बज रहे हैं और भाई खतरनाक ही सीन है। ठीक है देखो देखा देखो कोई था, देखो 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 ये भगता क्या फिर रहा है, पागल वागल है क्या। देखो मैंने तो कहा था इसमें कोई भूत वगैरह तो मतलब नहीं है, लेकिन इसके अंदर हाँ यही चीज़ है। ठीक है मेंटल लोग हैं भाई वो, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है वो, तो फिर भी आप वो तभी कहते हो जब आप कुछ करते हो, ये तो पागल ही है भाई, ये तो कुछ भी कर देंगे। ओके नीचे जाता हूँ, नीचे शायद कुछ हो या नहीं हो, कुछ तो भाई डराना नहीं रे बस मेरे को, अचानक से आके हाँ आओ हेलो वेलो करो फिर जाओ, बस अचानक से मत टपकना कहीं से भी कहीं को भी, ये गलत सीन हो जाएगा। एक ही रूम में बस है जाना है यार, तुम बहन चो हार्ट अटैक दिलवा दोगे आज भाई, अभी इतना सा रह गया बस हार्ट अटैक आने से। ओ भाई गेट खोलते टपक गया ये नीचे को, ये पता नहीं कहाँ लटका हुआ था, कैसे लटका हुआ था। एक मिनट इसकी मुंडी नहीं है, ओ भाई इस वजह से मैं कह रहा था कि उनसे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं यार, जिसका दिमाग नहीं चलता है ना पागल ही मानो यार, मतलब क्या ही लोग हैं भाई। ओ शिट ये बहुत खतरनाक है भाई, सिर किसी का भी नहीं है, ठीक है किसी का भी सर नहीं है यहाँ पे, मतलब किसी का क्या, अभी 2-3 आदमी मिले मेरे को तो किसी का दिखा नहीं। और भाई नीचे ब्लड ही ब्लड, उल्टा टांग हुआ, मतलब क्या ही, मतलब ये रखे देखो सर वगैरह उनके यहाँ पर रखे हुए हैं। ओ भाई ये गेम खतरनाक होते जा रहा थोड़ा थोड़ा, और बस क्या बोलूँ यार इसके बारे में। एक ये देखो एक ये लटका पड़ा है नीचे, कितनी गंदी गंदी चीज़ें पड़ी हैं ये, आगे चल के देखते हैं। ओ भैंचूर ये जिंदा भाई, ये मारेगा मेरे को ये ओके देख के, ओ भाई देख कंफर्ट ओके ओके भाई समझ गया मैं समझ गया क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना वो इनके हाथों से बाहर निकल चुका है, ये बता नहीं इसने तो मेरे को ऐसा ही बताया कि जो ये लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे साइंटिस्ट वगैरह से पहले, ये देखो ये कितने खतरनाक है यार सर सबकी, अरे असली कर देने कोई वो नहीं है, मतलब जो कपड़े वपड़े पहना के बैठा देते हैं क्या कहते हैं उनको, कुछ तो कहते हैं कठपुतलियों को इंग्लिश में पपेट्स, पपेट्स नहीं है भाई ये खतरनाक ही है असली है भाई सब कुछ। हाँ तो इसने मेरे को ये बताया कि जो ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना वो भाई गड़बड़ हो चुका है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है और अब ये लोग ना उल्टे सीधे भाग रहे हैं, और इन लोगों का ये हाल क्या पागल लोग इन्होंने जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बस इनका खेल इन्हीं पर उल्टा पड़ गया भाई और तो कुछ नहीं। अब देखते हैं यहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है सीन, मेरे को जाना कहाँ से, इधर से जाना है क्या मेरे को, ऊपर से चढ़ के जाना होगा। ए जाने दो रे बाबा, नहीं इधर से नहीं जाना, एक नहीं थोड़ी सी नॉइस नॉइस पता नहीं क्यों रखते हैं गेम में, मेरे को नॉइसेस वाले गेम बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि नॉइस। भाई नीचे कुछ है, वो कौन बैठा है, सिक्योरिटी गार्ड, हाँ शायद भाई सिक्योरिटी गार्ड है, कौन है मेरे को तो सिक्योरिटी गार्ड ही लग रहा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है बहुत ही गंदी तरीके से। ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है भाई आगे चल के, देखते हैं यहाँ से तो नहीं जाना पीछा के, इसी रूम के अंदर जाना है शायद कहीं पे, क्योंकि कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है, या तो मैं वापस जा सकता हूँ, मैं वापस भी जाकर आगे लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था, तो देखते हैं भाई यहीं पे कुछ है, या तो यहाँ से कोई सिगरेट डोर वगैरह खुलेगा या मतलब कुछ होगा यहाँ पे कोई, मेरे को शायद मैं डॉक्यूमेंट वगैरह भूल रहा हूँ, शायद कोई वो ले जाना होगा या फिर मेरे को, देखते हैं क्या ही सीन होने वाला है। ये तो लटक चुका है, उसको उतारना तो नहीं ना, हेल्प वगैरह तो नहीं करनी इसकी। ठीक है मुंडियाँ खटी पड़ी हैं भाई सबकी, गंदे तरीके से यार कितना गंदा कर रखा है लोगों ने, वो तो अच्छा है कि लाइट वो वाली खुली हुई है कैमरे की, अगर वैसा होता ना मतलब समझ सकते हो तुम मैं कैसे करने की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही गंदा लगता है सब।
ये देखो, ये किसी का पूरी की पूरी बॉडी रखी है, किसी को बॉडी बनवानी हो, नकली बॉडी लगानी हो तो इसको लगा सकते हैं। बाल्टी यार, निकलने का रास्ता कहाँ से है यार? एक मिनट, रे डोर है। ओके मिल गया, डोर मिल गया भाई। कोई है वहाँ पे? वहाँ पे कौन है? एक कौन है रे? मैं बाबूराव गणपतराव पाटले, पाटले थे ना। हाँ देखा, याद है बाबूराव का डायलॉग। आगे चल के देखते हैं कौन था वो भाई, कहाँ गया वो गया कहाँ। ओके आगे चलते हैं आराम आराम से, क्या सीन होने वाला है। वो खड़ा है शायद वहाँ, नहीं यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो सामान रखा हुआ है। आगे चल के देखते हैं क्या सीन होने वाला है। ओ भाई नहीं नहीं ये कौन है, क्या है? ओ भाई मिनी हार्ट अटैक भाई, ये गेम निकाल देगा मेरे को, मुझे आज ऐसा लग रहा है ये आखिरी गेम हो सकता भाई। ये इतना बड़ा ये क्या है भाई? एंड यू आर ओ शिट, ये कुछ खतरनाक ही सीन है यार। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लोग क्या कर रहा है भाई ये मेरे साथ? भाई ये सब